माचिमा चुमर। अभी ना फेरे वगैरह हो गए हैं और अब क्या रहता है, विदाई होगी थोड़ी देर से, तो हम जा रहे हैं घर। घर में थोड़ा रेस्ट करेंगे ताकि शाम को हम थोड़ा फ्रेश हो जाएं, शाम तक जब तक रात को हमारी भाभी आएगी तो तब तक थोड़ा हम फ्रेश हो जाएं। लोग भी आ रहे हैं, अभी थोड़ा स्कूल की तरफ चलते हैं, आपको स्कूल भी दिखाती हूँ थोड़ा जहाँ से हम पढ़े हैं। तो शादी का यही था कि अभी हम सुबह तो जब हम आए थे तब कितनी बारिश हो रही थी, बड़ी मुश्किल से हम नाश्ते हो गए ऊपर तक, और उसके बाद हमारा वेलकम हुआ, फिर हमें थोड़ी रिफ्रेशमेंट मिली। 10th यहाँ से हुई है और प्लस 1-2 गर्ल्स स्कूल से रामपुर से। ये है मेरा स्कूल, था मतलब मेरा स्कूल। पहली गाड़ी में हम आए थे आज, पहली बार मैं इसमें राइड किया, स्मूथ एक्सपीरियंस था XUV का। तो ये होता था हमारा खो खो ग्राउंड, यहाँ पे हम खो खो खेलते थे। ये था हमारा कबड्डी ग्राउंड, यहाँ पे कबड्डी होती थी। यहाँ पे होता था वॉलीबॉल, मॉर्निंग असेंबली कभी ऊपर होती थी कभी यहाँ होती थी, और यहाँ पे। तो ये था हमारा बैडमिंटन कोर्ट, यहाँ पे हम बैडमिंटन खेलते थे। एक बार की बात बताती हूँ, ठीक है, छुट्टी होने के बाद ना मैं यहाँ से आ रही थी और मेरा ध्यान बिल्कुल भी नहीं था, और मैं सीधे चली रही थी, और मेरा ना सीधा सिर यहाँ जाके बजा था, थन करेगी इसमें, और बड़ी दर्द हुई थी यार। हमारा 9th क्लास का हॉल, और ये था मेरा 6th क्लास का रूम। यहाँ शायद प्लस 1-2 वालों की क्लासेस होती थी, प्लस 1-2 मेरे यहाँ से है नहीं, और बाकी 8th के लिए वहाँ था, 7th के लिए इधर था। तो ये वाला घर था जहाँ पे शादी लगी थी, देखो वहाँ टेंट भी दिख रहे हैं। और अभी तो हम नीचे आ गए हैं ना, नजदीक लगी थी शादी। तो अपनी यहाँ की सबसे बेस्ट मेमोरी बता, मैंने तो बता दी, बता इस ग्राउंड की है, जब मैंने कुसुम दीदी की टीम को हराया था, जो हमारी खो खो की कैप्टन होती थी पूजा दीदी, कुसुम दीदी याद करो। हाँ। हाउस वाइज मैच हुए थे और हमारे हम खो खो के प्लेयर कोई भी नहीं थे, देख तू भी नया हराया इस वाले में, वाले सर ने हमें बिस्किट का पैकेट दिया था। चेव दीदी गुस्से में लाल पिली हुई थी, मैं स्कूल घर में जाकर उसको वही बिस्किट खिला रही थी, और बहुत गुस्सा जीजू आ गए हैं और अब हम वापस चलेंगे। तो हम लोग चल पड़े अभी यहाँ से, चल नहीं पड़े, चलने वाले हैं। तो अभी ना शाम के 7 बज रहे हैं और मैं वहाँ से आ गई थी वापस, उसके बाद ना मैं घर आके सीधा सो गई, और अभी जस्ट 7 बज रहे हैं और अभी वापस वहाँ जाना है क्योंकि बारात वापस आएगी तो दुल्हन को लेके आएंगे, और आज ही शाम को शादी क्लोज हो जाएगी। तो अभी मैं भी जा रही हूँ शादी में, और मेरे में हिम्मत नहीं है कि मैं दोबारा से तैयार हो जाऊँ और कपड़े चेंज करूँ या ये करूँ, तो मैं यही कपड़ों में जा रही हूँ, ऐसे ही जा रही हूँ, आदमी भी नहीं धो रही और थोड़ी नींद में ही जा रही हूँ। तो अभी बस आज क्लोज हो जाएगी, वहाँ जाके थोड़ा फ्रेश हो जाऊँगी, खाना खाऊंगी और बारात वापस आ जाएगी, फिर मैं भी घर आ जाऊँगी और शादी क्लोज। ओके, और साथ में आपने पूरी शादी में देखा होगा, आपको राहुल कभी नहीं दिखा होगा, लेकिन राहुल ना बहुत बीमार था इस बीच में, और आज अभी भी इसकी तबीयत कोई ठीक नहीं हुई है, लेकिन अभी थोड़ा बेटर फील कर रहा है। तो आज जाके मेहंदी के बाद आज जाके शादी में जा रहा है, बाकी ना ये बरात में था ना कहीं भी था। तो कैसा फील कर रहा अभी तू? बेटर ना। तो अभी मैं सोई भी थी तब भी बारिश हुई है, और मुझे इतना आलस पड़ा है, मैं तो नहीं होती अब तैयार, मैं ऐसे ही जाऊंगी भाई शाम को। तो सबके चेहरे उतरे हुए क्योंकि सुबह से हैं लगे हुए, तो अभी मैं पहुंच गई शादी। जैसे ही कैमरा वैसे ही दीदी तो एकदम से एक्टिव हो जाते हैं। तो अभी हम वापस पहुंच गए शादी में, और सभी लोग ऐसे हुए हैं, थोड़ी सबकी बैटरी लो हुई हुई है क्योंकि शाम सुबह से शाम तक काफी लंबा दिन चला जाता है। मैं तो सो के आ गई हूँ, और बारात भी आ गई है, अभी नीचे नाचने लग गए हैं। और ये देखो कौन आई, गिट्टू आए, झुमके नहीं भूली, पीछे गले झुमके भूल गई थी पहनना। तो ये गिट्टू का ट्रेडिशनल ड्रेस पेटीकोट, लवली भी आ गई है पेटीकोट पहन के, पहले टोपी पहन रहे थे अब ये पहन के आ गए हैं। तो शादी में अभी लाइट चली गई क्योंकि बारिश भी होने लगी है, और मैं पी रही हूँ चाय, मेरी चाय के दिन चमक रही है ना, बाकी जगह सब अंधेरा ही हो गया। दूल्हा दुल्हन को आगे करेंगे, थोड़ा
हम लोग खाना खाने आ गए और सारे लोग लाइन में ऐसे बैठे हैं खाना खाने, और अभी हम भी खाएंगे खाना। गिट्टू प्लेट दिखाओ, अभी तो उसने हलवा भी छोड़ा ही है ना। लोग बोल रहे थे ना मैं क्यों गिट्टू को बदनाम करती हूँ। गिट्टू प्लेट दिखाओ अपनी, वो खा के मैंने फेंक दी। इसने प्लेट चुबा दी और इसने खाना वेस्ट किया है आज। फिर बोलते कि क्यों इसको बदनाम करते हो, देखा मैं आज इसके साथ बैठी नहीं थी तो इसने खाना वेस्ट किया। तो अभी हम चल पड़े वापस घर की तरफ। फिर राहुल भाई चले हैं आगे, नहीं चलना, नहीं चलना, मुझे दिखा। और गीतू बोल रही है कि इसको दिखाओ, देखो ये चुड़ैल भी जा रही है रात को खुली जुल्फों के साथ। और उसकी क्या ही किस्मत होगी जिसके सपनों में मैं आऊंगी। हाँ देख लेना, तुम्हारे सपनों में गीतू आएगी अगर तुम टाइम से सो गए। निकालने के लिए संपर्क करें। तो यहाँ पे हूँ मैं भी, जा रही हूँ अब घर, क्योंकि अभी नाच नाच के थक गए हैं, अब जाएंगे घर, घर में जाके मजे से। हम भी काम कर करके थक गए हैं, नाचने का टाइम नहीं। क्या तू तो आज ही आया ना, और हम वीडियो बना बना के थक गए हैं। हाँ गीत तू मेरी वीडियोग्राफर थी आज। एंड मैं दूल्हा दुल्हन को साथ में आना चाहते हैं और उसी के साथ, और उसी के साथ शादी खत्म हो जाती है। तो अभी शादी से वापस आ गए हैं और मेरे साथ है आदि और आर्यन। ये लोग आज यहाँ सो रहे हैं, मैं दूसरे कमरे में जाऊंगी। प्लस कैसा रहा तुम्हारी शादी का एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा। आदि तो बहुत नाचा भाई, इसने तो सबसे ज्यादा मजे ले हैं। आर्यन उतना नहीं नाचा, बट लेकिन इसका एंजॉय करने का तरीका थोड़ा अपना है, तो है ना। बिल्कुल। तो अभी तुम लोग जल्दी सो जाना, पर ये लोग रात के 2-2.5 बजे तक ऐसे नहीं सोते। मैं तो चलो एडिटिंग करने जागती हूँ, ये लोग ऐसे ही जाग रहे होते हैं। तो सबसे बड़ी पहली चीज तो शादी से आने के बाद इनको निकालना है। निकाल देते हैं, कानों के ऊपर आज बहुत अत्याचार कर दिया। अब एक्सपेरिमेंट तो होते रहते हैं, और अब वैसे भी शादी तो खत्म हो गई है। तो ये थी हमारे यहाँ की शादी। तो आप बताना आपको कैसी लगी यहाँ की शादी, और ये था आज का व्लॉग। आज हमारे यहाँ पर दुल्हन आ गई है और बस शादी खत्म। आज पहले तो धाम होती थी अगले दिन, लेकिन अब जो है ना पहले दिन ही आज की, मतलब जैसे आज की शाम को शादी खत्म हो जाती है। तो ये थी जो इतना ही था, जैसा भी था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल बनाकर चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दिस इज मधु बोरा साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टेक केयर, अन्यू। तो बिल्कुल
रैप गॉड की तरह है अमीनम का। आज आज मुझे जल्दी जल्दी खत्म करना पड़ा ना इसीलिए, क्योंकि ब्लॉग ऑलरेडी लंबे होंगे तो फिर लोग बोर ना हो, इसीलिए मैं सोच रही थी ऐसे फटाफट से अपनी ओर से जितना मुझे बोलना हो फटाफट बोलती जाऊँ, ताकि बाय बाय। ये लोग मेरे साथ शुरू से थे जब मैं, आर्यन ने मुझे बहुत टिप्स दिए और इवन इसने मेरी वीडियो एडिटिंग में भी हेल्प की है, तो आर्यन तो हमेशा से एक हेल्पफुल हैंड है। थैंक यू आर्यन, वेलकम वेलकम एंड दिस लॉट टू अचीव राइट नाउ। हेलो, और फोटोज भी ले बना, अब आपसे घर जाके ही मिलेंगे। नहीं मिलना बस, आप बीमार हो यार, चुप्रो मेरे कुछ बोल लूँ तो क्लोजिंग ही हो गया शादी की अभी, बस अब जाके एंड में बस लाड़ा लाड़ी बोल दिया दूल्हा दुल्हन को, साथ लाड़ी बोल सकती है तू, समझ आ जाएगा तेरी।